हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल में आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी भी कराते हैं, खासकर वो जॉब जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिसमें बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, सी ए, आई सी डब्ल्यू ए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आती है, उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी एक जॉब लेकर आया हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एक गवर्नमेंट जॉब है और अकाउंटेंट के लिए आई हुई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये कितनी पोस्ट है, किस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं और तमाम जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको अब जॉब से रिलेटेड बातें बताता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने टेक्सटाइल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोली है, जो कि एक सरकारी वेबसाइट है, और इस पर एक जॉब आई हुई है जो कि अकाउंटेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर ये जॉब आई हुई है। देखिए दोस्तों, अगर हम जाते हैं इसके व्हाट्स न्यू में, तो देख सकते हैं यहाँ पर आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में आई हुई है, रिक्रूटमेंट फॉर क्यू ए ओ लैब एंड अकाउंटेंट। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, जॉइंट टेक्सटाइल कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। जी हाँ दोस्तों, एक सरकारी नौकरी है। यहाँ पर बहुत सी आई हुई हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की आई हुई है और तमाम, लेकिन हम सिर्फ आज अकाउंटेंट के बारे में बात करेंगे। अकाउंटेंट की किस प्रकार की पोस्ट आई है और आप इस कैसे उस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, और यहाँ पर हालांकि पोस्ट एक ही है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। लेकिन इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों, पे स्केल बहुत ही अच्छा है। अभी इसने सिक्स सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से दिया हुआ है पे स्केल 35,000 रुपये से 1,12,400 रुपये तक, जो कि बहुत ही अच्छा पे स्केल है। और इसमें एज लिमिट आप देख सकते हैं 25 साल से लेकर 30 साल तक है। वही दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो या तो आपके पास एम कॉम होना चाहिए, और अगर आपके पास एम कॉम नहीं है तो आपके पास कम से कम बी कॉम होना चाहिए, जिसमें आपकी सेकेंड क्लास यानी कि सेकेंड डिवीज़न होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको 4 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने एम कॉम किया हुआ है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने अगर बी कॉम किया हुआ है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, जिन बंदों ने एम कॉम किया हुआ है और एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि बी कॉम करने के बाद कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कर रहे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, चाहे गवर्नमेंट, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा पे स्केल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। जी हाँ दोस्तों, जो एज लिमिट इसमें देखी जाएगी वो 4 नवंबर 2019 तक देखी जाएगी, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि एज की जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो SC ST OBC PWD, इनको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेगी। इसके अलावा लिखा हुआ है कि अगर आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सेपरेट एप्लीकेशन आपको हर पोस्ट के लिए सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है वो सारे मुंबई में कराए जाएंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है, आप जो SC ST के कैंडिडेट्स होंगे उन्हें सेकंड क्लास रेल या बस का फेयर भी देगी, आने और जाने का, जी हाँ जर्नी का फेयर भी देगी। आप 10वें पॉइंट में देख सकते हो, आपको फेयर भी दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको फेयर भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग इन वैकेंसी को अपनी मर्ज़ी से कभी घटा बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा तो होता ही है दोस्तों। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, बल्कि इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन कर कर ही इस फॉर्म को भरा जा सकता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि एक फॉर्मेट है उसमें जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा उस पर भर करके और नीचे दिए गए एड्रेस में आपको सबमिट करनी है जो कि है सेक्रेटरी टेक्सटाइल कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बी बालू रोड प्रभा देवी मुंबई। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पे आपको भेजना है और ये 4 नवंबर 2019 से पहले पहुंच जाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कंडीशन रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि आपके पास एक ना एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए अप्लाई करते वक्त, ये तो होता ही है दोस्तों, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई कॉलेज का आई कार्ड, पैन कार्ड। तो दोस्तों ये तो आजकल हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मांगती हैं, आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप में से इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आपने फॉर्म को बिना साइन करे भेज दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन इन अदर देन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑफ टेक्सटाइल कमेटी, यानी कि जो फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, अगर उसके अलावा आप किसी और तरीके से आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन नहीं माना जाएगा। यदि आप ईमेल या फैक्स से आवेदन करते हैं तो भी आपका आवेदन नहीं माना जाएगा। अगर आपका आवेदन जो इन्होंने डेट दी हुई है उसके बाद आप उन्हें रिसीव होता है तो वो नहीं माना जाएगा। अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दी है तो भी वो आवेदन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ और विदाउट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपने बिना फ़ोटो लगाए अगर एप्लीकेशन भेज दिया या फिर जो उन्होंने क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट मांगे हुए हैं वो आपने नहीं उसके साथ लगाए, जैसे कि एज का प्रूफ या कास्ट का प्रूफ, तो भी आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टोमोनियल्स अटैच्ड विद एप्लीकेशन विदाउट सेल्फ अटेस्ट। जी हाँ, तो दोस्तों आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं आप लगा करके भेजोगे वो सारे आपको क्या करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करने हैं। अगर सेल्फ अटेस्ट नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको डाउनलोड कर करके भर के भेजना है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है और ये जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आपके लिए खोल लिया है ये एप्लीकेशन फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्सटाइल कमेटी वैकेंसीज, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे कि ऑब्वियसली आप यहाँ पर अकाउंटेंट भरेंगे, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम भरना है। इसके अलावा अपना नाम भरना है ब्लॉक लेटर्स में, यानी कैपिटल लेटर्स में, मदर नेम, फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है उस हिसाब से आप भरेंगे। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो फिक्स करना है, अपना जेंडर, नेशनैलिटी, ऑब्वियसली नेशनैलिटी सबकी इंडियन ही है तो यहाँ पे इंडियन भरेंगे आप लोग। इसके अलावा आप अपनी कैटेगरी भरेंगे जो भी आपकी कैटेगरी होगी, SC ST OBC या EWS में अगर कोई जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं तो वही EWS भरेंगे। इसके अलावा आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, ज़्यादातर लोग इंडिया में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो हिंदी इंग्लिश आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और अपनी क्षेत्रीय यानी कि लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसके बारे में भर सकते हो। और आपने भरना है कि लैंग्वेज स्टडी अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि 10वीं तक आपने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है उसके बारे में आपको लिखना है। सो ऑब्वियसली सब हिंदी इंग्लिश तो आजकल 10वीं तक पढ़ती हैं। इसके अलावा आपको अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है, फिर आपको अपना एड्रेस भरना है, प्रेजेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आपको कभी आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा हुआ है या केस हुआ है तो उसके बारे में आपको देना है, यस या नो जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल इज मैंडेटरी विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, काइंडली प्रोवाइड करेक्ट ईमेल। यहाँ पे लिखा है कि आपको जो ईमेल आईडी देनी है वो इसमें सही देनी है, आप गलत ईमेल आईडी ना दें, बिल्कुल आप ध्यान से ईमेल आईडी पढ़ें, क्योंकि जितना भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे चलेगा वो ईमेल आईडी के थ्रू ही चलेगा, यानी कोई भी कम्युनिकेशन अगर उन्हें करनी होगी आपको तो ईमेल आईडी से करेंगे। इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन पढ़नी है फिर आपकी, जैसे कि 10th हो गई, 12th हो गई, BCom, MCom या आपने जो भी
किया हुआ है, किसी ने सी एंटर किया हुआ है, या तो वो भी भरना है यहाँ पर भी। इसके अलावा आपके कोई और स्किल्स भर सकते हैं आप लोग जो भी होंगे, और टाइपिंग स्पीड यहाँ पर भरनी है आपको अगर आपकी है तो, एक्सपीरियंस आप भर सकते हैं अगर आपने आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो। आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइज भरना है कि पहली ऑर्गेनाइजेशन में कितना एक्सपीरियंस, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कितना, इस प्रकार से। आप वहाँ पे आपका क्या डेजिग्नेशन था, आप अकाउंटेंट थे, अकाउंट असिस्टेंट थे, फाइनेंस ऑफिसर थे, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर थे, या जो भी था आपका, और कितने पीरियड के लिए आपने वर्क किया, कौन सी फील्ड थी आपकी वर्किंग की, कितनी सैलरी आपको ले रहे थे, और रीज़न ऑफ लिविंग आप वहाँ भर सकते हैं कि आप क्यों वहाँ से छोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, जो जो आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरी है ऊपर में, ये वाली जो आपने क्वालिफिकेशन भरी है, इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अटैच सेल्फ अटैच करके लगाने हैं। जैसे कि आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया, BCom, MCom, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें, और कोई अदर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको प्लेस, फिर डेट और सिग्नेचर करके इस फॉर्म को, जो मैंने एड्रेस अभी बताया था, उस पर आपको भेज देना है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस फॉर्म में कहीं भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो ये फॉर्म आपके लिए फ्री है। आप कोई भी इस बंदा इस फॉर्म को भर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ आपको पोस्टेज के चार्जेस देने पड़ेंगे। जो भी आपको पोस्ट का चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको फ्री है ये फॉर्म, कोई आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर नो एप्लीकेशन फ़ीस है, नो एप्लीकेशन फ़ीस है ना, आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसकी वेबसाइट से जाके फॉर्म को डाउनलोड करें, और जो जो बंदे इसके एलिजिबल है प्लीज़ इस फॉर्म को बहुत ज़रूर भरें, क्योंकि अच्छी जॉब है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, और कई बार ऐसे ही आ जाता है नंबर, क्योंकि यहाँ पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे ये रिक्रूटमेंट होनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डिपार्टमेंट है उसकी मर्ज़ी है, वो कितने कैंडिडेट्स को बुलाना चाहता है रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, हो सकता है आप, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपके अच्छे मार्क्स होंगे, तो आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, और हो सकता है आपका नंबर आ जाए, क्योंकि दोस्तों चाहे एक ही पोस्ट हो लेकिन उसे भी कोई ना कोई व्यक्ति तो भरता ही है, आप लोग जानते हैं, और वो उस पोस्ट पे किसी ना किसी आदमी को रखा भी जाएगा और वो वर्क भी करेगा। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि एक ही पोस्ट है इसलिए भर के क्या करेंगे, आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस पोस्ट को ज़रूर भरें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर कोई और बंदा आप समझते हैं इसे भरने के लिए एलिजिबल है तो उसके साथ इसे शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।